Welcome to your class, class 8. This is your English class and today we will be studying the first chapter of your Honeydew book. Honeydew is your main course book. आपके पास दो books मिली होंगे, एक Honeydew है and there is another book that is the supplementary reader. So in this, the first chapter that we will be studying today is The Best Christmas Present in the World. तो chapter start करने से पहले मैं आपको short में इस chapter के बारे में थोड़ा बताती हूँ. This chapter is basically about two friends जो कि battlefield में मिलते हैं. battlefield क्यों? क्योंकि don't go on the topic. The name is The Best Christmas Present in the World. उस topic से थोड़ा हटके इसकी actually story है. इसमें होता क्या है? There are two friends जो कि field में मिल रहे हैं, battlefield में, और दोनों opposite countries से हैं, मतलब जो दुश्मन countries हैं उनके दो लोग हैं, और फिर भी उस battlefield में उनकी एक अच्छी friendship create होती है. तो इस पूरे incident को एक letter में लिखा गया है और वो letter एक desk में है, और वो letter जिनको पहुंचना चाहिए उन तक एक समय पर पहुंचा था, और क्योंकि वो एक बहुत बूढ़ी लेडी हो चुकी हैं तो वो भूल चुकी हैं उसको रख के, क्योंकि ऑब्वियसली ओल्ड एज में भूलने की बीमारी होती है. तो उस लेटर को वो रख के भूल चुकी हैं, और किसी तरह जो नरेटर हैं वो उन तक पहुंच जाते हैं क्रिसमस के दिन वो लेटर लेकर, जो कि उनके लिए दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट बन जाता है. एंड दैट इज़ वाई द नेम हैज़ बीन गिवन लाइक दिस. तो दिस इज़ द ब्रीफिंग ऑफ द स्टोरी. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. बिफोर यू रीड, देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड that are so significant that everyone knows and remembers them. The story you will read mentions one such date and event, a war between the British and the Germans in 1914. Can you guess which war was it? तो यहाँ पर basically एक ऐसा जो paragraph दिया जो आपको read करने से पहले समझना है वो इसके बारे में है कि generally बहुत सारे ऐसे dates और periods होते हैं जो हमारे लिए unexpectedly essential या फिर एक history में एक remarkable दिन की तरह count होते हैं. तो ये सारे के सारे दिन बहुत ही सिग्निफिकेंट हो जाते हैं इस तरीके से कि सब उन्हें याद रखते हैं, उनको याद रखते हैं ना. फॉर एग्जांपल, हमें इंडिपेंडेंस कब मिली, वी सेलिब्रेटेड, हमें रिपब्लिक डे का, गांधी जी जयंती, जो भी ओकेजन हम सेलिब्रेट करते हैं, दे ऑल सेलिब्रेटेड फॉर अ पर्टिकुलर रीज़न. तो उनको एक सिग्निफिकेंट रीज़न से याद किया रखा गया है ना, तो उन्हीं इवेंट्स की बात हो रही है. तो ये जो स्टोरी जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें भी एक ऐसा एक इवेंट और एक डेट आएगा, और वो इवेंट है एक वॉर जो कि ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में 1914 के टाइम पे हो रहा था. क्या आप ऐसा कोई और गेस, कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज, क्या आप बता सकते हैं ये कौन सा वॉर था? डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू. नीचे कुछ डेट्स दी हैं, 4th July 1776, 6th August, 12th April, 17th December, 30th January एंड 20th of July. आपको बताना है कि ये डेट्स किस चीज़ को रेफ़र करती हैं. सो लेट्स सी कि कौन से डेट्स को रेफर करती हैं. कमिंग टू द फर्स्ट डेट, 4th July 1776, दिस रेफर्स टू द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि आज के दिन अमेरिका ने, इस दिन मतलब 4th जुलाई के दिन अमेरिका ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया था. दूसरा है 6th August 1945, इस दिन हिरोशिमा डे है, यानी कि एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा जो कि जापान में है उसके ऊपर ड्रॉप किया गया था. द नेक्स्ट इज 12th April 1961, ये यूरी ए गैगरिन वो बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू ऑर्बिट द अर्थ, मतलब ये पहले ह्यूमन बने थे जो अर्थ के ऑर्बिट पे जाकर, ही वॉज ट्रैवलिंग देयर, सो ही बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू ट्रैवल आउट ऑफ अर्थ. देन वी हैव 17th December 1903, ऑन दिस डे विल्बर एंड ओरविले राइट, इन्होंने अपनी पहली फ्लाइट बनाई थी, रिमेनिंग इन द एयर फॉर 12 seconds एंड कवरिंग 120 feet. आपको पता होगा कि पहला जो एरोप्लेन है वो किसने बनाया था? राइट ब्रदर्स ने. सो राइट ब्रदर्स में ही ये दिन है जो उन्होंने पहली फ्लाइट बनाई थी जो कि 12 seconds के लिए हवा में रही थी, और हाइट क्या थी? 120 feet. देन वी हैव 30 January 1948, इस दिन महात्मा गांधी का असासिनेशन हुआ था, मतलब महात्मा गांधी को धोखे से मारा गया था. Then we have 20 July 1969, which is Neil Armstrong पहले ह्यूमन बने थे जो मून पे पैर रखा था उन्होंने, मतलब ही बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू कीप हिज फुट ऑन दी द मून. चलो ये हो गया आपके स्पेशल डेट्स. नाउ कमिंग टू द स्टोरी, लेट्स स्टार्ट रीडिंग. जो पार्ट आपके सामने है ये स्टोरी का पहला पार्ट है, आगे के पार्ट्स को रिलेट करने की कोशिश करिएगा. आई स्पॉटेड इट इन द जंक इन ब्रिटपोर्ट, अ रोल टॉप डेस्क. The man said it was early 19th century and oak. I had wanted one,
but they were far too expensive. This was in a bad condition. The roll top in several pieces, one leg clumsily mended, scorch marks all over one side. It was going for very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. I removed the roll top completely, pulled out the drawers. तो बेसिकली आई इज़ रेफरिंग टू द नरेटर, यानी कि जो इस स्टोरी को बोल रहे हैं उनसे रेफर कर रहा है नरेटर. जो भी ऐसे स्टोरीज को हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन नरेशन, जो स्टोरीज होती हैं ये अलग अलग नरेशन में होती हैं. अगर जो लिख रहे हैं वही स्टोरी का हिस्सा हैं तो ऐसे स्टोरीज को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन नरेशन. सो दिस इज़ अ फर्स्ट पर्सन नरेशन स्टोरी जिसमें जो नरेटर हैं वो ब्रिटपोर्ट से एक जंक शॉप यानी कि कबाड़ की दुकान उधर से गुजर रहे हैं और उनकी नज़र पड़ती है एक रोल टॉप डेस्क पर. वो रोल टॉप डेस्क का जो ओनर था वो बेसिकली जंक शॉप का ओनर था और वो बताता है इन्हें कि ये जो डेस्क है ये 19th सेंचुरी में बना था और ओक से बना था. ओक इज़ अ काइंड ऑफ वुड, ये पता होगा ना, तो ओक ट्री तो सुना होगा, तो उस पेड़ के लकड़ी को ओक कहा जा रहा है. उन्हें ये एक हमेशा से चाहिए था लेकिन मार्केट में जो फ्रेश पीसेस मिल रहे थे वो बहुत महंगे थे. ये बहुत बुरे हालत में था. इसका जो रोल टॉप था यानी कि वो डेस्क होते हैं ना जिनको ऊपर से एक ढक्कन कवर कर देता है, आपने देखा होगा स्कूल्स वगैरह में या कोचिंग क्लासेस में होते हैं. नॉर्मल डेस्क रहेगा पर उनका जो डेस्क वाला ये वाला जो लेयर होता है ये लिफ्ट हो जाता है, उसके अंदर आप सामान रख सकते हैं, उसका वापस बंद हो जाता है. ऐसे डेस्क नहीं समझ में आ रहा, वही उन्हीं डेस्क को भी कॉल इट जिनका टॉप रोल हो सके, दैट इज़ द रोल टॉप डेस्क. तो उनको ये हमेशा से चाहिए था पर ये वाला थोड़े बैड कंडीशन में था. जो रोल टॉप है वो बहुत टुकड़ों में टूट चुका था और एक लेग किसी तरीके से बस जोड़ के उसको खड़ा किया गया था. स्कॉर्च मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, स्कॉर्च मार्क्स मीन्स जलने के निशान पूरे उसके एक साइड पे. ऐसा लग रहा था कि ये जहाँ भी जिस भी जगह से लाया गया हो उस जगह पे कभी ना कभी बहुत सीवियर आग लगी होगी जिसकी वजह से इसके ऊपर जलने के निशान भी हैं. लेकिन ये बेनिफिट था कि वो बहुत ही कम पैसे में उन्हें मिल रहा था. तो इन्होंने नरेटर ने सोचा कि वो उसे खुद रिस्टोर कर लेंगे और ये रिस्क, ये चैलेंज जो है वो लेने लायक है. तो उन्होंने उस आदमी को, उस जंक स्टोर के ओनर को पैसे दिए और वो लेकर अपने वर्क रूम में आ गए जो उनके गैराज के पीछे था. क्रिसमस का टाइम था और वो उसी दिन उस पर काम करने लगे. काम करने लगे मतलब कि उसको यूज़ के लायक बनाना पड़ेगा ना उस हालत में है तो. हाँ, तो उसको रिपेयर करने लगे. सबसे पहले उन्होंने पूरा का पूरा रोल टॉप हटा दिया और सारे ड्रॉर्स बाहर निकालने की कोशिश की. ड्रॉर्स भी थे उस टेबल में तो उस ड्रॉर्स को खोलने की कोशिश की. द वीनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. वीनियर मीन्स जो ये डेकोरेटिव्स या फर्नीचर्स होते हैं उनके ऊपर एक पतला सा, वी कॉल इट एज सलमाइका इन हिंदी, एक लेयर होता है उसको वीनियर कहते हैं. दैट इज़ वो हट चुका था पूरी तरीके से. इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी. बोथ फायर एंड वाटर क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन द डेस्क. द लास्ट ड्रॉअर स्टक फास्ट. I tried all I could to ease it out gently. In the end, I used brute force. I struck it sharply with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer. There was something there. I reached in and took out a small black tin box. Sellotaped to the top of it was a piece of lined notepad. And written on it in shaky handwriting, Jim's last letter received January 25th, 1915, to be buried with me when the time comes. I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples. It usually does. Inside the box there was an envelope. The address read, Mrs. Jim MacPherson, 12 Copper Beaches, Bridport, Dorset. I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated on the top, 26 December, 1914. So basically, आगे क्या हुआ? फिर जब वो repair करने लगे उन्हें, तो उन्होंने देख, पहले तो पूरा का पूरा roll top वहाँ से हटा दिया. Roll top हटाने के बाद, he saw कि जो veneer है उसका, वो हर जगह से निकल चुका है, मतलब it has left the wood piece, अलग हो चुका है wood piece से.
और ऐसा लग रहा था कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो जनरली लकड़ियाँ ख़राब की होती हैं भीगने से ना, तो ये डैमेज जो उस टेबल में दिख रहा था, ये डैमेज ऐसा भी लग रहा था कि ये बहुत समय तक भीगा रह गया होगा जिसकी वजह से इसका वीनियर निकल गया है। यानी कि दोनों आग और पानी क्लियरली अपना काम कर चुके थे। टेकन देयर टोल ऑन द डेस्क, यहाँ पे एक फ्रेज है जिसका मतलब है डैमेज प्रोवाइड कर चुके थे डेस्क को। जो आखिरी ड्रॉर था जब मैं खोलने लगा तो वो बहुत अटका हुआ था। मैंने पूरी कोशिश की कि उसको जेंटली निकाल सकूं, पूरा ब्रूट फोर्स लगाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने उस पर ज़ोर से अपने फिस्ट के साइड से, यानी कि मुट्ठी के किनारे से ज़ोर से उस पर हिट किया और अपने आप ड्रॉर जो है वो खुल के बाहर आ गया। और जैसे ही वो खुला, उसने क्या रिवील किया, रिवील करना मतलब किसी चीज़ को सामने लाना, ओपन करना। इट रिवील्ड अ शैलो अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉर, मतलब उस ड्रॉर के अंदर एक और छोटा सा शैलो ड्रॉर था जो कि एक सीक्रेट ड्रॉर था। देखो पिक्चर में आपको दिख भी रहा होगा, ड्रॉर के अंदर ड्रॉर और जो छोटा ड्रॉर है उसके अंदर एक बॉक्स दिख रहा है ना इस पिक्चर में। सो बेसिकली इसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं नरेटर यहाँ पे। तो वो ड्रॉर खुला, इसके अंदर कुछ था। उन्होंने हाथ डाल के देखा तो उसमें ब्लैक कलर का टिन का एक बॉक्स था जिसके ऊपर सेलो टेप से एक पेपर का पीस लिखा था और शेकी हैंड राइटिंग का मतलब जब बूढ़े लोग कोई चीज़ लिखते हैं तो उनका हाथ कांपता है ना, उसको शेकी हैंड राइटिंग कही जा रही है। तो उस हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था उसके ऊपर जिम का आखिरी लेटर, 25 जनवरी 1915 वॉज द डेट, इसको तब मेरे साथ दफनाया जाए जब समय आए, ऐसा लिखा था उस डेस्क के ऊपर, उस बॉक्स के ऊपर। नरेटर को ये पता था कि अगर वो इस बॉक्स को खोलते और उसके अंदर की चीज़ देखते तो वो एक गलत काम होता, क्योंकि किसी का पर्सनल चीज़ हमें टच नहीं करना चाहिए। लेकिन उनकी जो क्यूरियोसिटी थी, क्यूरियोसिटी मतलब इच्छुक होना किसी चीज़ के लिए, बहुत ही ज़्यादा बेताब होना, तो वो जो क्यूरियोसिटी थी वो उनके स्क्रपल्स पे ज़्यादा भारी पड़ गई बजाय उनके मैनर्स के, जो कि हमेशा ऐसा होता है। जनरली ऐसा होता है ना, कोई चीज़ अगर हमें बहुत हिडन दिखती है या कोई चीज़ हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि मत करना, ये तो दिक्कत है, ये गलत बात है, तो कभी ना कभी हमारा मन करता है कि इसको ट्राई करेंगे, आखिर मम्मा पापा क्यों कह रहे हैं नहीं करने को। तो एक रीज़न होता है ना, देर इज़ अ क्यूरियोसिटी इन साइड कि कुछ तो होगा, एक बार करके देख लेते हैं। तो नरेटर के साथ भी वही हुआ, उनकी क्यूरियोसिटी उनके माइंड से ऊपर चली गई एंड ही वॉज लाइक कि नहीं चलो देखते हैं, जो कि अक्सर ऐसा उनके साथ होता था। स्क्रपल्स का मतलब एक फीलिंग जो आपको कुछ करने के लिए रोकती है, एक अंदर से फीलिंग आती है ना कि नहीं यार हमें नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है, उस फीलिंग को स्क्रपल्स कहते हैं, ऐसी फीलिंग्स को। तो उनके स्क्रपल्स के ऊपर उनका क्यूरियोसिटी चला गया। बॉक्स उन्होंने जब खोला तो उसके अंदर एक एनवलप था, उसके ऊपर एक एड्रेस था जिसमें लिखा था मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रेडपोर्ट, डॉरसेट, यानी कि जिनको ये लेटर भेजना था ये उनका लेटर था जिनके लिए ये लिखा गया था। मैंने उसके अंदर से लेटर निकाला, उसको अनफोल्ड किया, वो पेंसिल से लिखा गया था और उसके ऊपर डेट थी 26 दिसंबर 1914। यहाँ पे एक डेट हमें दिख रही है 26 दिसंबर 1914 और ऊपर एक डेट है 25 जनवरी 1915, यानी कि 26 दिसंबर 1914 इज़ द डेट जिस डेट पे ये लेटर लिखा गया है, ठीक है। वेयर एज 25 जनवरी 1915 इज़ द डेट जिस दिन ये लेटर रिसीव हुआ है, किसको, जिसके लिए ये लेटर लिखा गया था, किसके लिए लिखा गया है, मिसेस जिम मैकपर्सन के लिए लिखा गया है। इतना समझ में आया? सो बेसिकली वी हैव गॉट टू डेट्स, एक डेट है 25 जनवरी 1915 जिस दिन ये लेटर मिसेस जिम मैकपर्सन को रिसीव हुआ है, और एक डेट है 26 दिसंबर 1914 जिस दिन ये लेटर क्रिएट किया गया है, यानी कि लिखा गया है, ठीक है। सो बाय नाउ वी कम टू द कॉम्प्रिहेंशन चेक। So the first question is, what did the author find in a junk shop? Who will answer? Author find a roll top decks in the junk shop. Usko describe karo thoda, what was the condition? Vaise in simple words you can say, but the more appropriate answer will be, the author while moving from the Bridport found a roll top desk which was in a bad condition at the junk shop. Theek hai? Agla question hai, what did he find in a secret drawer? What do you think? Who do you think put it there? Who will answer? Drawer mein kya mila aur aapko kya lagta hai wo kisne rakha hoga? In a drawer there was a small shallow drawer in which there was an envelope and tin box in the tin box there was an envelope and author tried to
रीड इट. अब किसने रखा होगा? द पर्सन हु हैज रिसीव द लेटर. तो व्हाट वुड बी द एप्रोप्रिएट आंसर? द ऑथर फाउंड या द नरेटर फाउंड अ टिन ब्लैक कलर टिन बॉक्स इनसाइड द शैलो सीक्रेट ड्रॉअर एंड मिसेस जिम मैकपर्सन वुड हैव केप्ट इट आफ्टर रीडिंग द लेटर. मतलब मिसेस जिम मैकपर्सन ने लिखा होगा इस लेटर को इसको पढ़ने के बाद. ठीक है, इतना समझ में आया दोनों? नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर. जो सेकेंड पार्ट इस चैप्टर का, अभी तक हमने ये देखा कि क्या इंसिडेंसेस हुए, उस लेटर तक पहुँचा कैसे गया. सेकेंड पार्ट में जो स्टोरी मैंने आपको बताई थी दो लोगों की, उस स्टोरी को वो कंटेंट दिया गया है जो इस चैप्टर के अंदर, जो इस लेटर के अंदर लिखा गया था. सो द सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर इज अबाउट द लेटर ओनली. सिर्फ और सिर्फ ये किसके बारे में है? उस लेटर के बारे में है जो लेटर मिला था किसे? नरेटर को. यही चीज़ें जो सेकेंड पार्ट में लिखी गई हैं वही चीज़ें उस लेटर में भी लिखी थी. ठीक है, सो लेट्स रीड द पार्ट ऑफ द चैप्टर और द लेटर. लेट्स रीड द लेटर. ठीक है, सो डियरेस्ट कॉनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपन दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट. जस्ट अ मिनट, दैट आई मस्ट टेल यू एट वंस. अरे यार, वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग. इट वॉज, अभी आज अगर 26 है तो कल 25 रहा होगा ना. किस डेट में लिखा गया है? 26 दिसंबर में, यानी कि एक दिन पहले क्या होगा? 25 दिसंबर को क्या होता है? क्रिसमस मॉर्निंग. तो जो राइटर हैं लेटर के, वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी वाइफ को, या फिर देखो किसको. वी वर ऑल स्टैंडिंग इन आर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग. इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी. आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगैन इट, बट द ट्रूथ आई एम अशेम्ड टू से इज दैट फ्रिट्ज बिगैन इट. Someone saw a first a white flag waving from the trenches opposite. Then they were calling out to us from across no man's land, "Happy Christmas, Tommy! Happy Christmas!" When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you, Fritz. Same to you." I thought that would be that. We all did. But then suddenly, one of them was up there in his great coat and waving a white flag. "Don't shoot, lads," someone shouted, and no one did. Then there was another Fritz up on the parapet, and another. "Keep your heads down," I told the men. "It's a trick," but it wasn't. One of the Germans was waving a bottle above his head. It's a Christmas day, Tommy. We have schnapps, we have sausages, we meet you. Yes. By this time, there were dozens of them walking towards us across no man's land, and not a rifle between them. Little Private Morris was the first up. "Come on, boys. What are you waiting for?" And then there was no stopping them. I was the officer. I should have stopped them and there and then, I suppose. But the truth is that there is that it never even occurred to me I should. All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats, meeting in the middle. And I was one of them. I was part of this. In the middle of the war, we were making peace. Kitna beautiful sound kar raha hai na? So basically, let us start karte hain, jo bhi writer hain. Jo writer kaun hai? Agar Mrs. Jim MacPherson ko likha gaya hai, to Mr. Jim MacPherson writer rahe honge. Mr. Jim MacPherson yani ki, वो सोल्जर हैं कोई, ऐसा हमें पता चल रहा है. लेट्स रीड आगे. अपने वाइफ को वो प्यार से क्या बुलाते हैं, कौन बताएगा? कॉनी. डियरेस्ट तो ऐसे सैल्यूटेशन है ना, बुलाते क्या हैं? कॉनी. तो अपने वाइफ को वो प्यार से कॉनी बुलाते हैं. उनको वो बताते हुए कहते हैं कि आज मैं जब ये लेटर लिख रहा हूँ तो मैं एक बहुत ही अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में हूँ, बहुत ही खुश फील कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है, ऐसा सरप्राइजिंग, ऐसा वंडरफुल हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ. हम सारे के सारे अपने ट्रेंचेस में खड़े थे. ट्रेंचेस मतलब जो, जब वॉर होता है तो सोल्जर्स छुपने के लिए एक डीप गड्ढा बना लेते हैं, उस गड्ढे के अंदर छुपे रहते हैं. बॉर्डर्स पे कभी देखा होगा अगर आपने मूवीज़ में, तो वो जो गड्ढे बनते हैं
उन गड्ढों को ट्रेंचेस कहा जाता है। तो ये सारे के सारे सोल्जर्स अपनी पोजीशन लेके ट्रेंचेस में खड़े थे अपने आर्मी को अलर्ट करके। तभी वो क्रिसमस की मॉर्निंग थी, क्रिस्प थी, शांत था, सब कुछ ब्यूटीफुल था जैसा कि हमेशा होना चाहिए, और कोल्ड भी था, ठंड भी थी, जैसा कि एग्जैक्टली क्रिसमस होना चाहिए वैसा था सब कुछ। मुझे ये कहने में बहुत खुशी होती कि चीज़ें मैंने शुरू की, लेकिन सच है कि मुझे शर्म आ रही है ये बताते हुए कि चीज़ें मैंने नहीं शुरू की। शुरू किया किसने? फ्रिट्ज ने। फ्रिट्ज यहाँ पर एक्चुअली एक वो जनरली एक कॉमन जर्मन नेम है, लेकिन यहाँ पर फ्रिट्ज पर्पजली यूज़ किया जा रहा है जर्मन आर्मी के लिए। ठीक है, जो जर्मन आर्मी के लोग हैं उनको एक वर्ड से रेफ़र किया जा रहा है, वो वर्ड है फ्रिट्ज। ठीक है, तो आगे राइटर कहते हैं कि ये जो भी चीज़ें हुई जो मैं तुम्हें आगे बताऊंगी वो शुरू किसने किया था? फ्रिट्ज ने। सबसे पहले हम में से किसी ने एक वाइट फ्लैग देखा जो आगे सामने वालों मतलब ऑपोजिट ट्रेंचेस से निकाला गया था। वाइट इज ऑलवेज द मैसेज ऑफ पीस, वाइट जहाँ पर भी आता है वो पीस को दिखाता है ना। तो सडनली क्या हुआ, उस मॉर्निंग ऑपोजिट साइड से ऑपोजिट आर्मी से एक वाइट फ्लैग दिखा। अब क्या हुआ, वे वो भी हाँ देन दे वो कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड। और तभी में जब तक मैं हमने फ्लैग नोटिस किया तब तक ना लोगों की आवाज़ आने लगी उधर से, लोग हमें नो मैन्स लैंड क्या होता है, दोनों कंट्रीज़ के बॉर्डर जहाँ कहीं भी होते हैं किसी भी कंट्री के बॉर्डर में, दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक बड़ा सा स्पेस होता है जिसपे किसी भी कंट्री का हक नहीं होता है। आप लोग गोरखपुर और नेपाल का जानते हैं, तो गोरखपुर का जो भी बॉर्डर है वो इंडिया का बॉर्डर होगा और नेपाल एक अलग कंट्री है तो उसका बॉर्डर होगा। तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में देर इज़ अ पीस ऑफ लैंड विच इज़ कॉल्ड एज नो मैंस लैंड। ये लैंड दोनों में से किसी कंट्री का नहीं होता है, दिस इज़ जस्ट फॉर द सेफ्टी पर्पज एंड मिलिट्री पर्पजेज। ठीक है, तो वहाँ पे नो मैन लैंड्स के अक्रॉस से लोगों की आवाज़ आने लगी, उधर से लोग चिल्ला रहे थे हैप्पी क्रिसमस टॉमी। जैसे फ्रिट्ज जर्मन आर्मी के लिए यूज़ किया गया है, वैसे टॉमी ब्रिटिश आर्मी के लिए यूज़ किया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो उधर से लोग बेसिकली हैप्पी क्रिसमस ग्रीट कर रहे थे। हम सब सरप्राइज थे और हमने से कुछ ने चिल्लाया भी, सेम टू यू फ्रिट्ज, हमने उन्हें भी बोला कि सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी, हमें लगा कि चीज़ें वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी, जितना हमने किया उतना काफ़ी था। लेकिन सडनली उनमें से एक ग्रे कोट हमारी तरफ बढ़ने लगा एक वाइट फ्लैग लेकर और चिल्ला रहा था कि सुनो गोली मत चिल्लाना, यहाँ आज क्रिसमस है, हम लोग किसी भी तरीके के फाइट के लिए नहीं आ रहे हैं। और सच में किसी ने भी गोली नहीं चलाई। वहाँ पे फ्रिट्ज थे बेसिकली दे वो, और थोड़ी देर में एक और फ्रिट्ज आया, मतलब और जर्मन आर्मी के लोग धीरे धीरे आने लगे। हम इन्होंने मतलब जो लिख रहे हैं यानी कि मिस्टर जिम मैकपर्सन, उन्होंने अपने आर्मी को कमांड किया कि अपने सर को नीचे रखना वरना रिस्क हो सकता है, कहीं ये कोई चाल ना हो। इनको ऐसा लगा कि उनकी अपोजिट आर्मी की कोई चाल होगी इस आर्मी को अटैक करने की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उधर से एक जर्मन आदमी एक अपने सिर के ऊपर एक बॉटल वेव, बॉटल ऑब्वियसली किसकी रही होगी, इट मस्ट बी अल्कोहलिक ड्रिंक, एक बॉटल लेते हुए सामने से वेव करते हुए आ रहे हैं और चिल्ला रहे हैं कि यार क्रिसमस का दिन है आज टॉमी, हमारे पास स्नैप्स हैं। स्नैप्स मीन्स उसको स्नैप्स बोलते हैं एंड इट इज़ अ जर्मन ड्रिंक, एक तरीके की ड्रिंक है जो ग्रेन से बनती है। तो हमारे पास स्नैप्स हैं, सॉसेजेस आर एडिबल्स, कबाब्स होते हैं ना उनको सॉसेजेस कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम आपसे मिलने आए हैं, हाँ हम बस मिलने आए हैं। और ऐसा जैसे उन्होंने बोला, एक या दो नहीं डजन्स यानी कि बहुत सारे जर्मन आर्मी के लोग हमारे तरफ बढ़ने लगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि उनमें से किसी के पास भी एक सिंगल राइफल नहीं थी, यानी कि सच में कोई भी हमारे तरफ लड़ाई करने के लिए नहीं बढ़ रहा था। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज फर्स्ट अप, जो सब उनमें से एक उधर के फ्रिट्ज आर्मी में से कोई कंटेंडर है जिनका नाम है लिटिल प्राइवेट मॉरिस, लिटिल प्राइवेट मॉरिस, वो सबसे पहले आ गया और उन्होंने आगे आकर बोला कि कम ऑन बॉयज, हम सब वेट कर रहे हैं आपका। और तभी कोई भी नहीं रुका, मैं ऑफिसर था, मुझे उन्हें रोकना चाहिए था उसी वक्त, लेकिन सच ये है कि मेरे दिमाग में एक बार भी ऐसा नहीं आया कि मुझे रोकना चाहिए। बीच में एक ऐसा सिचुएशन बना कि धीरे धीरे कुछ लोग हमारे तरफ से भी उनके तरफ बढ़ने लगे एंड एट द सेंटर ऑफ द बैटल फील्ड ग्रे कोट्स वो मीटिंग द खाकी कोट्स। ग्रे कोट जर्मन आर्मी को बोला जा रहा है और खाकी कोट ब्रिटिश आर्मी को बोला जा रहा है, उनके कपड़ों के लिए उनको रेफर किया जा रहा है। और बीचों बीच फील्ड के क्या हो रहा था, ये दोनों कोट्स आपस में प्यार से मिल रहे थे और मैं भी उन लोगों में से एक था, मैं इस चीज़ का हिस्सा था। वॉर के बीचों बीच हम पीस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे एंड दिस वॉज द ब्यूटिफुल थिंग जो वो ये बताना चाह रहे थे। तो आज के लेक्चर में इतना ही,
इसका इसके आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आपका होमवर्क आज का है कि आप कॉम्प्रिहेंशन चेक के दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे, एंड नेक्स्ट इज दैट जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स अभी तक आए हैं उनके वर्ड मीनिंग्स लिखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? कोई डाउट किसी को? सो दैट्स क्या चीज, पैरापेट द बाउंड्री, वहाँ पे वर्ड का मतलब पूछ रहे हैं ना, दैट द बाउंड्री ओवर देयर इज बीइंग रेफर्ड टू द पैरापेट। ठीक है, कोई और डाउट किसी को? ठीक है, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।